अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको कंटिन्यूसली अपने सॉल्यूशंस को मार्केट करना पड़ता है ताकि आपको कंसिस्टेंटली अच्छे सेल्स मिलते रहे और आपका कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता रहे और फायदा ज़्यादा हो एवरी मंथ। बट आपको ऐसा फील हुआ होगा कि काश ये मैं खुद कर सकता तो कितना अच्छा होता, किसी ना किसी पे डिपेंड होना पड़ता ना। अगर ऐसा हो सकता तो आपका कितना सारा पैसा और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम बच जाता, एफर्ट बच जाता है ना। तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि चलो मैंने अगर स्पेंड भी किया किसी और से, आपका जो फ्लायर है, ब्रोशर है, सोशल मीडिया कंटेंट है, ये सब कुछ करवाने के लिए, देखिए वन टाइम चीज़ें थोड़े चीज़ें होते हैं, बट एवरी टाइम आपको अगर लोगों के नज़र में आना है और कंसिस्टेंटली एक रेलेवेंट रखना है और अपना सेल्स बढ़ाना है तो आपको स्पेंड करना होगा किसी एक एजेंसी या एक फ्रीलांसर के ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि इवन ये करने के बाद आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। कई लोग तो इन हाउस हायर भी कर लेते हैं बट फिर भी एक सही माइंडसेट वाला पर्सन जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाए और जल्दी जल्दी दे पाए, बिकॉज आजकल टाइम मनी है और जो स्पीड काम नहीं करेगा उनको बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, तो ये एक स्पेशल मैसेज है उन बिजनेस ओनर्स के लिए जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिनका जो रेगुलर प्रेजेंटेशन, वीडियो बनाना, मार्केटिंग कंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सब कुछ जो है वो टाइम पे नहीं बना पा रहे या फिर कॉस्ट इफेक्टिव वे में नहीं बना पा रहे और जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट उनका पीस ऑफ माइंड निकला जा रहा है। ये एक स्पेशल मैसेज है उन बिजनेस ओनर्स के लिए। नमस्ते, मैं रोश हूँ और मैं आपके लिए एक कभी ना सुना हुआ ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूँ जो एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है और इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा सोल्यूशन मेरे हिसाब से आपको पहले किसी ने नहीं दिया होगा। मेरा सोल्यूशन का मेन जो गोल है वो ये है, या फिर उसका जो आइडिया है वो ये है कि डू इट योरसेल्फ, कुछ शुरू करना होगा, ये सब कुछ चीज़ें खुद अपने कंपनी के अंदर ही करना, ये जी हाँ सही है, डू इट योरसेल्फ ही सोल्यूशन है, एकदम अल्टीमेट सोल्यूशन। इसके बारे में आगे मैं आपको समझाता हूँ। आपको यही करना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो मार्केटिंग डिजाइनिंग ये सब कुछ आप जितना अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जानते हो वो कोई नहीं जानता है। तो आप जो है इसका फेस अगर बनते हो तो ऑटोमेटिकली लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ओके। और जो मैसेजेस है, जो ऑफर्स है, जो स्टोरीज है वो आपके थ्रू अगर कन्वे होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तब एक इमोशन बिल्ड होगा लोगों को आपके प्रति, ना कि रैंडमली एक कुछ डिज़ाइन बना दिया और पोस्ट कर दिया। तो एक जो दूसरा डिज़ाइनर होता है या एक एजेंसी होता है, चांसेस कम है, जितना आप अपने पैशन से वो कर पाओगे वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आप एक क्लाइंट हो। अब बहुत सारे क्लाइंट में एक क्लाइंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक काम नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है जिससे आप एक बेटर आउटपुट निकाल सकते हो, बिकॉज आप किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा इन हाउस ही या करेंगे। एक नया तरीका अगर हम अपनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो कोई और आपके जो बिजनेस के बारे में स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, जो आप इम्पैक्ट करने का पैशन है, कमिटमेंट है, और नहीं ला सकता है। एज अ ओनर जो आप ला सकते हो वो एक दूसरा पर्सन जो बाहर का एजेंसी का है वो उतना नहीं ला पाएगा जितना आप कर पा रहे हो। वो आप उनकी मदद ज़रूर ले सकते हो बट आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। आप और आपके बिजनेस यूनिक है तो आपको कंटेंट कंटिन्यूसली पब्लिश करना होगा। आज के डिजिटल दुनिया में जो मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम ये है कि लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो कंटेंट पब्लिश करना है, जो व्हाट्सएप स्टेटस डालना है, जो इंस्टाग्राम में हर जगह पोस्ट करना है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल डेली पोस्टिंग जो है मैंडेट हो चुका है। अगर आपको अटेंशन ग्रैब करना है तो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेली पोस्टिंग करते हो, नए नए चीज़ें अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, तो उतना चांसेस बढ़ेगा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चलना, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा और उतना आपका सेल्स बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो
जो एसेंशियल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो जो मार्केटिंग मटेरियल्स है, जो इंस्टाग्राम पोस्ट्स है, जो आपके फ्लायर्स है, ब्रोशर्स है, छोटे छोटे वीडियोस हो सकते हैं, क्या एग्जैक्टली लिखना है ताकि कम से कम वर्ड्स में लोगों को ज़्यादा पता चल जाए, और ये सारे स्किल्स जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके मार्केटिंग के लिए। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है ये सब सीखने के लिए, तो आप किसी एक अपने मेंबर को अपस्किल कर दीजिए और उनको बाद में अपने साथ बिठा के आप रिक्वायरमेंट दीजिए और वो आपका डिलीवर भी कर पाएगा। और इसके लिए एक सेपरेट पर्सन हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि ऑलरेडी जो अवेलेबल है उनका एक जो टाइम यूटिलाइजेशन करके आप उनका कैसे बेटर स्कोप क्रिएट कर सकते हैं, और उनको भी फायदा होगा कि कुछ नया सीखने मिल रहा है आपके थ्रू। मेरे हिसाब से आपको एक टाइम, सिर्फ एक बार जो भी एक लर्निंग मटेरियल है वो लेके सीखना होगा अपने लिए, क्रिएट करने के लिए नहीं, बस समझने के लिए कि वर्क कैसे होता है। अगर आप ये करेक्टली समझेंगे कि कैसे वर्क होता है, तो आपको उतनी ही अच्छी तरीके से आप दूसरों से काम निकाल पाएंगे। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को प्रॉब्लम ये होता है कि ये कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ये एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट देना कैसे है और उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, वो समझ में नहीं आता है। तो आप एक बार थोड़ा सा एफर्ट डाल के वो समझ लीजिए, और उसके बाद से आप बार बार दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, और इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। और प्रॉब्लम यही है कि अगर बिजनेस ओनर खुद नहीं समझेंगे तभी ही उनको मुश्किल होता है। और मार्केटिंग जो है एक बहुत ही अहम पार्ट है एक बिजनेस ओनर और उनके बिजनेस के सक्सेस के लिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर जो है बहुत बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, बट इस एस्पेक्ट पे फोकस करने के लिए एक तो उनको टाइम नहीं मिलता है या स्कोप नहीं मिलता है, या फिर वो उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग एक रिकमेंडेशन है कि आप मार्केटिंग के ऊपर एक प्रॉपर एक वेटेज दें, और एग्जैक्टली एक जो स्टोरीज बताना है आपके बिजनेस के बारे में उसके लिए आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लें। बाद में आप अपने ही टीम मेंबर के थ्रू डेली जो है कंटेंट पोस्टिंग वो शुरू कर दे, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा। तो एक बार आपको फ्लो पता चल गया, देन आप किसी और के अपने टीम मेंबर को ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे के ये काम करवा सकते हैं। क्रिएशन पार्ट वो करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ उसके बाद सिर्फ 15 मिनट डेली स्टार्टिंग में एक आप इनपुट दे सकते हो कि चलो आज ये मार्केटिंग करना है, या इस प्रोडक्ट के बारे में वर्ड स्प्रेड करना है, या एक नया ऑफर रिलीज करेंगे, या एक नया स्टोरी बताएंगे कि हमारा एक जो प्रोडक्ट एक सक्सेस कैसे हुआ, या लास्ट जो हमने सर्विस डिलीवर किया लोगों को कैसे पसंद आया। तो आप आइडियाज़ दे सकते हैं, फिर एंड ऑफ द डे वही स्टाफ आपको आके दिखाएगा कि सर मैंने ऐसे ऐसे क्रिएट किया है, तो आपको चेंजेस बता सकते हो। सो एक बहुत ही कम टाइम अगर आप भी स्पेंड करते हो डेली, फिर भी आपके कंपनी के अंदर ही यह सारा काम हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिलायबिलिटी और लॉयल्टी के लिए आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि कोई एक फैमिली मेम्बर आपके, अगर भाई बहन, बेटा बेटी, कज़िन, जो भी एक फैमिली मेम्बर है, उनको आपके बिजनेस के प्रति एक लॉयल्टी रहेगी, तो आप उनको भी ये लॉगिन दे सकते हैं। मल्टीपल लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमारे लिए ये शायद मुश्किल हो सकता है ना। तो पहले बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टूल्स थे, बट आजकल इतने एडवांस टूल्स आ चुके हैं जो कि बहुत सिंपल और इजी तरीके से विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर टूल हम उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि ये बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है। तो एक्चुअली रियलिटी में बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से ये काम हो सकता है। और एक स्किल बिल्डिंग जब आप इंटरनली क्रिएट करते हो, तो आपका जो कंपनी का पोर्टफोलियो है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप जो अमेजिंग काम कर रहे हो, वो आप दूसरों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही काम अगर आप दूसरों को दे के आउटसोर्स करके कराओगे, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी बढ़ेगा। तो ये एक एकदम डिफरेंट अप्रोच है। इनफैक्ट मार्केट में ये जो डायरेक्ट नॉलेज जो देना है वो कोई नहीं कर रहा है जहाँ तक मुझे पता है। ये अगर मैं काम खुद आपके लिए करूँगा तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा फायदा होगा। पर मेरा हमेशा से ही ये था कि अगर मैं भी सब लोगों की तरह सेम चीज़ करूँगा तो
क्या अलग हो गया। तो मैं हमेशा वो प्रॉब्लम्स ढूंढता हूँ जो अनसॉल्वड है और एक डिफरेंट सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, जिससे एक जड़ जड़ से हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाए और एक रियलिस्टिक सोल्यूशन भी हो और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी हो, जिससे आपके बिजनेस को बहुत ही रियल डिफरेंस क्रिएट हो। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं कुछ हटके करूँगा, जो भी मेरा नॉलेज जो मैंने बहुत सालों से मिला के जनरेट किया है या एक्सपीरियंस किया है, वो मैं डायरेक्टली आपको पास ऑन करूँ, ऐसे मैंने ये इसीलिए ये मैंने ये मॉड्यूल क्रिएट किया। तो एक कंबाइंड एफर्ट है मेरा जो ट्रेनिंग है, आप और आपका एक टीम में अगर साथ आए, आपके बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करने की बहुत आसानी होगी। तो शायद ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही होगी कि जो सेल्स है आपके कंपनी की आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो रही होगी, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो एक इमीडिएट जो स्टेप है क्यों ये करना ज़रूरी है कि इनफ पीपल, अगर आप राइट पोस्ट करते हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुप्स पे, इवन उतना करने से आपको एक अच्छा विजिबिलिटी आ ही जाता है। तो हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कि आपके सेल्स टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल हो रहा होगा, राइट अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो आपको ये करने से, जो पोस्टिंग है, ये अच्छे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की वजह से और उसको अच्छी तरीके से राइट टारगेट ऑडियंस के साथ शेयर करने के बाद, जो सोशल मीडिया, और देखिए बिकॉज कॉन्टेंट किंग है, अगर सही कंटेंट क्रिएट होता है जो सही मैसेज कन्वे कर रहा है और डेली बेसिस पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के नज़रों में बार बार आते ही अपना एक रिकॉल वैल्यू भी बढ़ जाता है, एक ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम उनको आपके रिलेटेड एक सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो आपके पास भी आएंगे और दूसरों को रेफर भी करेंगे। तो एक कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक अगर काम होता है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, सिर्फ एक ऑर्गेनिक पोस्टिंग से आप एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आपको अभी करना क्या है कि आपको कैसे ये वर्क होता है कि डेली पोस्टिंग, एक मिनिमम एक कंटेंट व्हाट्सएप स्टेटस पर डालना है, तो एक अप्रोक्स 350 इंप्रेशंस आते हैं, 250 अप्रोक्स व्हाट्सएप स्टेटस पे, फिर जब सोशल मीडिया में डालते हो, फिर 30 डेज मिला के करीबन 10,000 इंप्रेशंस होते हैं। तो उसमें से अगर 1,000 लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, जिसमें से 100 भी अगर सेल्स हो गए, तो एक बहुत ही बड़ा रिटर्न ऑन द एफर्ट है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफर्ट है। और एक मिनिमल पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने अभी जो दिखाया है ये मिनिमल पॉसिबिलिटी है, या अगर आप ज़्यादा पोस्टिंग्स करते हो, दिन में 2 या 3 कर पाते हो, या फिर ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचा पाते पोस्ट करते हो, ये जो अगर एफर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये चांसेस ऑफ सेल्स भी और ज़्यादा होने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। और उसमें भी अगर आप एड्स वगैरह चलाते हो तो और तो स्काई इज द लिमिट। तो ये मैं एक स्मॉल पॉसिबिलिटी समझा रहा था। और अगर यही चीज़ अगर आप बाहर आउटसोर्स करते हो, तो 10,000 से 50,000 रेंज ऑफ कॉस्ट में, एक मेरे एक्सपीरियंस से और जो मार्केट का कॉस्ट है, जो इन सारे सर्विसेज के लिए एक एवरेज में बता रहा हूँ कि ये आपको हो सकता है एवरी मंथ। एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है, एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड रहता है। अगर रिक्वायरमेंट के बाहर भी आपको कुछ करना है, तो बहुत सारे चेंजेस अगर आ गए, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, तो वो भी एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। एक टाइम रिलायबिलिटी का भी एक इशू हो सकता है, हो सकता है वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है बट उसके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको या फिर टाइम मैनेजमेंट इश्यूज है जिसकी वजह से लेट अगर डिलीवरी हो गया, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा। और वो आप जैसा अपने ब्रांड के बारे में फील करते हो, कोई और उसके बारे में नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो भी उनको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एक अल्टीमेट सोल्यूशन आपको रिवील करने जा रहा हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरे मल्टीमीडिया मास्टरी क्लास, जो कि बिजनेस डिज़ाइन एसेंशियल्स भी, मैं इसका नाम है बिजनेस डिज़ाइन एसेंशियल्स भी और मल्टीमीडिया मास्टरी क्लास। तो जो इन क्लासेस में मैं एक सबसे बड़ा जो आपको हेल्प करने वाला हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो मेकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट उससे पहले जानिए कि मैं हूँ कौन, इतना सारा मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। नमस्ते, मैं रोशन हूँ और मुझे आप रोश बुला सकते हैं। और मेरा
एक्सपीरियंस ये है कि मैंने नॉर्थ कर्नाटका का फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया था आर्ट शास्त्रा स्टूडियोज एट द एज ऑफ 22। मेरा यही गोल था कि हम एक इंडस्ट्री डेवलप करें स्क्रैच से अपने हुबली शहर में, ताकि और जॉब्स क्रिएट कर पाए। तो मैं मुझे बहुत सीखने मिला, मैं करीबन 10 साल तक इसको रन किया और मेरे ओवरऑल 12 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका हूँ और एज अ बिजनेस मैं करीबन 10 साल तक एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया और सारे रिलेटेड कंटेंट सर्विसेज स्टार्टअप्स, फॉर्च्यून 500 और गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड कर चुका हूँ, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। मैं एक अलमनाई रह चुका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिससे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला कि एक बिजनेस का कैसे बेटर इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है एक बिजनेस के थ्रू। एजुकेशन स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ये जो पिक्चर में है, ये सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं और ये जो पूरी कम्युनिटी है इधर, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से सीखने मिली थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये सारे एक्सपीरियंसेस को मैं एक साथ करके मैंने स्कूल ऑफ पैशन शुरू किया था, जिससे मैं एक बेटर एजुकेशन और एक क्रिएटिव जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा बेटर और इजी तरीके से इम्पैक्ट कर सकूं। और मुझे क्लाइंट्स को सिंगल हैंडेडली क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना एक्सपीरियंस भी मिला, और एक टीम के साथ, एक टीम बिल्ड करके मैनेज करके उनके थ्रू डिलीवर करना, वो भी एक्सपीरियंस मिला। मैं कॉलेजेस जाके ट्रेन भी कर चुका हूँ और मेरा अपना जो प्लेटफॉर्म है स्कूल ऑफ पैशन, मेरे अपने ऐप पे मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता आया हूँ। तो मुझे एक ओवरऑल 360 डिग्री एक्सपीरियंस गेन करना एक मौका मिला। तो मैं एक ये जो एजेंसी रन करता है एक पर्सन, उनका जो चैलेंजेस रहते हैं, उनके जो स्टाफ का अवेलेबिलिटी, जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर, एक सिस्टम या टाइमलाइंस, वो जो उनके चैलेंजेस रहते हैं वो भी समझता हूँ। और जो बिजनेस, एज अ बिजनेस ओनर आप क्या बिजनेस चैलेंजेस फेस करते हो उसका भी मुझे समझ है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो उनके साथ बात करते करते मुझे वो भी सीखने मिला और उनको मैं खुद सॉल्यूशंस डिलीवर करते करते मुझे सीखने मिला। मैं लकी रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे आज तक बहुत गाइड किया है। मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप roshideations.com को जा सकते हो या फिर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। जस्ट एक ग्लिम्स मैं बताना चाहूँगा, पर अगर आप roshideations.com में जाते हो तो मेरा पूरा करियर, मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरे स्किल सेट्स, अलग अलग पोर्टफोलियो, जो भी मेरा कैटेगरी वाइज पोर्टफोलियो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, ऐप, वेब डिज़ाइन, क्राफ्ट्स और जो भी मीडिया में प्रेजेंस है, केस स्टडीज़ है, जो भी वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किए हैं और अपना जर्नी एक्सपीरियंस सब कुछ मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। शेयर करने की कोशिश कीजिए, आप गैलरी में देख सकते हैं, मीडिया देख सकते हैं, स्टोरी देख सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है एक मैंने कोशिश की है आपको कन्वे करूँ मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। मेरा आर्ट से लगाव बचपन से रहा है, मेरा पैशन रहा है कि मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है क्राफ्ट्स क्रिएट करना। तो उसी से मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ कंप्यूटर साइंस के थ्रू, फिर मैं एनिमेशन एजुकेशन कंप्लीट किया। तो जो मेरा लगाव है वो बचपन से, ये आप देख सकते हैं स्टेगोसोरस जो डायनासोर का है बोन स्ट्रक्चर, ये मैंने हैंडमेड है, थर्मोकोल से बनाया था। ये मेरा कॉलेज का मिनिएचर मॉडल है, एक ग्लिम्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास और भी जितने भी पिक्चर्स है वो मैंने कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि बचपन से मैं इसमें इंटरेस्टेड रहा हूँ और हमेशा मैंने वो करने की कोशिश की है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है। मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। तो मैंने अपना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड से किया है और एनिमेशन एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट में कम्प्लीट किया है स्कूल ऑफ पैशन। तो मैंने अपने स्कूल ऑफ पैशन में सारा जो एक्सपीरियंसेस है आज तक का वो गैदर करके और मार्केट के प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते हुए एक बेटर सोल्यूशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिलायबल, एक परमानेंट सोल्यूशन, एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच के साथ और एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लाने की कोशिश की है। और इसमें शुरुआत ये होता है कि एक छोटा मॉड्यूल से शुरुआत होता है, बाद में हम डिटेल में जाते हैं। तो आपको याद देना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेवन डेज में एक डिज़ाइनिंग का एक बिजनेस कैसे अंडरस्टैंड आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और
डिज़ाइनिंग का जो नीड है मार्केट में, डिज़ाइनिंग का जो एक वैल्यू है, अच्छे डिज़ाइन की वजह से एक बिज़नेस को कैसे फ़ायदा होता है वो एक्सप्लेन किया। फिर प्रोजेक्ट डिलीवरी रिक्वायरमेंट से लेके उसको प्लानिंग कैसे करना है, वो सारा जो एक प्रोसेस, करेक्ट प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो करेक्ट रिजल्ट आता है, सही टूल्स कैसे यूटिलाइज करना है, वो सब कुछ। और उसके बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से कैसे क्रिएट करना है वो कवर किया है। बाद में छोटे छोटे वीडियोस कैसे क्रिएट करना है कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट से, वो एक्सप्लेन किया है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एक पूरा मंथ का कैलेंडर बनाते हैं कैसे, उसके लिए कॉन्टेंट कैसे बनाते हैं वो, और उसके रिलेटेड डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, वो जो पूरा फ्लो है वो एक्सप्लेन किया है। फिर अपना पोर्टफोलियो, जैसे जो भी आपका सर्विस या प्रोडक्ट या जो भी है, वो एक अच्छी तरीके से आप एक जगह अगर प्रेजेंट कर पाओ, जिसकी अगर एक जगह आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने से क्या होगा, आपको एक बेटर क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको सेल्स, आपका जो सेल्स पिच है वो बेटर होगा, जिसकी वजह से आपको एक बेटर जो रेवेन्यू मिलेगा। तो एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना, उसको एक जगह सही से डाल के प्रेजेंट करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप एक्चुअली क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए जाओगे, तो कैसे सोशल मीडिया का यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हो, ये सारा जो है आपके लिए भी फायदेमंद होगा, या फिर ये चीज़ आप अपने टीम के साथ भी करवा सकते हो। इसके साथ साथ और बहुत ही डिटेल्ड ह्यूज पूल ऑफ कोर्सेज है, जैसे फोटोशॉप है और एक्शन टूल्स है, सब कुछ है। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे लर्नर्स हैं वो एक सिंपल तरीके से पहले शुरुआत करें और इसका फ़ायदा लें, और जैसे जैसे उनको नीड हो उसके हिसाब से आप जो डिटेल्ड मॉड्यूल्स हैं और एक्सपर्ट टूल्स हैं, जैसे जैसे नीड होगा वैसे वैसे आप उन मॉड्यूल्स को जाके यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं अल्टीमेटली चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस का वॉइस बने, और ये करने के लिए आपको सबसे कम कॉस्ट में आप कर सकते हो, क्योंकि आप ये इन हाउस करने वाले हो और इससे आपका सेल्स बढ़ जाएगा। तो ये जो लेसन या ये लर्निंग या ये क्लासेस है, ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा मेरे ऐप पे, और वीकली लाइव क्लासेस रहेंगे जहाँ पर मैं डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली फिर सेव होके ऐप में सेव हो जाता है, बाद में आके कोई देख भी सकता है। और अगर जब ये कोई प्रैक्टिस कर रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ डाउट है, तो ऐप पे मुझे भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और मैं पर्सनलाइज्ड इनपुट्स भी दूंगा। तो ऐप पे तो आप डाउनलोड करने के बाद देख ही सकते हैं। ये वेब इंटरफेस भी है जिसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा, और जब आप अपने कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसके अंदर वीडियो मटेरियल्स और जो आप इतनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं। फिर असाइनमेंट्स देख सकते हैं, मैंने असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, जिससे आपको एक इवैल्यूएशन मिलेगा कि कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इससे मिली है। एंड जो भी लाइव क्लासेस है वो के थ्रू आप देख सकते हैं, वेब पे भी देख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है इसमें। और जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आपको भेजते रहता हूँ, और आप चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं। तो सारा जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो इसमें मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको चिंता नहीं करनी होगी ज़्यादा टाइम और मनी, सॉरी टाइम और पैसा स्पेंड करने के बारे में। मैंने इसको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश की है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हो। तो इसका जो सबसे इमीडिएट जो रिज़ल्ट है, आप एक हफ्ता से लेके एक महीने के अंदर देख सकते हैं, बिकॉज जो इनिशियल मॉड्यूल मैंने बनाया है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि इमीडिएटली उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप फ़ायदा ले सको। पर उसके बाद जो है, आप जितना डीप लर्निंग में जाना चाहते हो उतना डीप आप जा सकते हो, और ये वन टाइम कॉस्ट रहेगा और ये रीयूजेबल रहेगा। अगर आपने किसी एक टीम मेंबर को इससे अपस्किल करवाया और बाय चांस उन्होंने कल जॉब छोड़ दिया, तो आप नेक्स्ट जो टीम मेंबर है उनको ये देखकर इमीडिएटली विदाउट एनी आपके एडेड एफर्ट से उनको ये ट्यूटोरियल देखकर सीखने के लिए कह सकते हो। तो इससे आपका एक रिलायबिलिटी भी बढ़ गया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई स्टाफ अगर वो आपके पास लॉन्ग टर्म में नहीं है तो भी चिंता करत नहीं है। तो इससे आपको आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि आप एक
बहुत ही क्रिएटिव टूल के बारे में नॉलेज ले पाएंगे, उसका नॉलेज आपके टीम मेंबर को भी दे पाएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी से सीख सकते हैं, और इसका सही इस्तेमाल करके आप एक बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर कंटेंट, बेटर स्टोरीज बता सकते हो, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हो, और सिर्फ एक ऑर्गेनिक पोस्टिंग से आपके सेल्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली अटेंशन बढ़ रहा है। ओके, सो इससे आपका कॉस्ट भी सेव हो रहा है। ध्यान रखिए, आपको आर्टिस्टिक रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको नेचुरली जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है, जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, बस उसका यूटिलाइज करना है, सही टूल्स यूज़ करके आप सही आउटपुट निकाल ही लोगे। तो अगर आप एक नया स्किल सीखना चाहते हो आपके लिए और आपके टीम मेंबर के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, और आप इसका बेनिफिट जो है आप अपने बिजनेस को देना चाहते हो, मुझे नहीं लगता बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो इनिशियल पीपल रह सकते हो जो ये नया इनोवेटिव तरीका यूटिलाइज करके कॉस्ट और टाइम सेव करके अपना बेटर मार्केटिंग करने वाले हो। तो आप इमीडिएटली रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखें, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। तो ये जो आपके बिजनेस के लिए कुछ नया और अमेजिंग होने का चांसेस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका भरपूर यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत मिनिमम है। तो ये लिंक डिपेंड करता है आप कहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लिंक मिलेगी, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर ये QR कोड स्कैन कीजिए एनरोल करने के लिए इमीडिएटली। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये QR कोड स्कैन कीजिए, ताकि मेरे साथ चैट करके आप अपना क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, और मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि आप इसमें एनरोल करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा लेके अपने बिजनेस को ग्रो करने की शुरुआत जल्दी से जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच, मैं आपके मैसेज के लिए, आपके ऑनबोर्ड होने के लिए आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।